कानून अपना काम करेगा, जो शिकायत मिली है उस पर जांच होगी और जांच करके उचित कार्रवाई। लेकिन आपके भी विधायक रास्ता बदल चुके थे, दो तीन विधायक बहुत जो भी है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदन में बताया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार दावा करते रहे कि खेला होगा, लेकिन जिस बीते दिन जिस तरह से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ और जो सीन विधानसभा से देखने को मिला, आप सब उससे जो है रूबरू होंगे। आज जो है सीधा पासा पलट गया है, जो कल तक अपने विधायकों को बहलाने फुसलाने में लगे हुए थे, जोर तोड़ की राजनीति करने में लगे हुए थे, ऐसे में जो है बीजेपी के नेताओं पर जो है अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। इसी क्रम में बीजेपी के विधायक जो है संजय सरावगी से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए आगे क्या क्या होता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया गया था, सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदन में ही इस बात को कहा था कि जो जो भी लोग नदारत रहे हैं उन पर हमारी नज़र है और कार्रवाई हम करके रहेंगे। यानी कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो जितने भी राजद कोटे से जो मंत्री बने थे उन तमाम लोगों ने जो घालमेल किया है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन तमाम लोगों की फाइलें हम मंगवाने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ जो है राजद की ओर से जो है अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और कहा गया है कि हमारे कुछ विधायकों को जो है बरगलाया गया है, हमारे विधायकों को जो है बहलाने फुसलाने का काम किया गया है, तभी हम जो है सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के बात करें या फिर जदयू की हम बात करें तो पांच विधायक जो थे वह नदारद थे। अंतिम समय में जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तब वो लोग जो हैं सदन में पहुंचे, जहां आपने देखा होगा कि रश्मि वर्मा थी, भागीरथी देवी थी और मिश्री लाल यादव थे, वहीं जदयू कोटे से भी थे, कई लोगों का ऐसा नाम जो है आगे आ रहा था। ऐसे में सम्राट चौधरी ने अपने विधायकों को लेकर के सदन में ही कहा था कि आगे देखिए होता है क्या, हमारी सभी पर नज़र है, यानी कि जो भी बीजेपी के साथ बगावत किए हैं उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से संजय सरावगी जो है अन्य सवालों से बचते नजर आए, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारे नेता जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत सीनियर लीडर जिनको विधायिका का पूरे किताब है, वो विधायिका वो अभी नामांकन करेंगे और उम्मीद है कि सर्वसम्मत से हो जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है बहुमत साबित में लोगों देख चुके हैं और हम लोगों ने पहले भी कहा था 128 से ज़्यादा, तो 128 से ज्यादा हुआ तो आदरणीय नंद किशोर जी आज नामांकन करने वाले। आपके कई विधायक के विधायक अपने ही विधायक पर किडनैपिंग का केस कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव पर भी आरोप लगे हैं। वो तो कानून अपना काम करेगा, जो शिकायत मिली है उस पर जांच होगी और जांच करके उचित कार्रवाई। लेकिन आपके भी विधायक रास्ता बदल चुके थे, दो तीन विधायक बहुत जो भी है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदन में बताया है कि वो पार्टी निर्णय करेगी। क्या उन पे कार्रवाई होगी? तो वो पार्टी निर्णय करेगी। कल खुद हम लोग के विधानमंडल दल के नेता और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने खुद कहा है विधानसभा में निर्णय कर। आप भी बहुत बड़े नेता हैं, आपको कोई जिम्मेवारी मिलने जा रही है? बता दें कि आज सदन का दूसरा दिन है, लेकिन आज भी जो प्रक्रिया है वह सदन की कार्रवाई को जो है आज भी नहीं शुरू किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष का कुछ अभी और भी शेष काम बचे हुए हैं। बीजेपी की ओर से नंदकिशोर यादव जो है अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और वो प्रक्रिया जो है आज पूरी होनी है। ऐसे में जो है एक बार फिर से सदन में जो है कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है विपक्ष के द्वारा, लेकिन क्या कुछ सीन होता है न्यूज़ फोर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फोर नेशन।